प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनका स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। बहादुरी मेरी नजर में, मैं मेरा दिल करता है मैं उस खातून का, उस औरत के जाके हाथ चूमू जो इस वक्त भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। मैं उसके हाथ चूमू जाके, उसकी वजह क्या है कि उनको उनको टिकट दिया गया, निर्मला सीतारमन, निर्मला उनका नाम है, सीतारमन निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर है। अपने बाप को मिलने के लिए घर गई है काटन की साड़ी, जिस जो कपड़े उनके वालिद के थे, जो जिस जगह बैठे हुए थे वो। मेरा दिल करता था, 29 स्टेटें हैं भारत की जिनकी वो फाइनेंस मिनिस्टर, मेरा दिल करता उस औरत के जाकर हाथ चूम। उसको बीजेपी ने टिकट दिया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने। ये बात आसपास ऑप्शन है, डॉलरों की बारिशें हैं, और उसके अंदर वो औरत काटन की साड़ी पहन के फिर रही है। मैं समझो वो बहादुरी है। ये बहादुरी कोई नहीं है कि मैं अपनी माँ के कपड़े फाड़ के दुबई में घर ले लिया, मैंने अपनी माँ के कपड़े फाड़ के लंदन में मेरे अपार्टमेंट चार ले लिए, ये बहादुरी है। ये तो सारा सर उनके तो पॉलिटिशियन भी सर बहुत सादे रहते हैं, उनकी छोटी आम सी गाड़ियां होती हैं, हमारे यहाँ तो ये BMW मर्सिडीज कौन कौन सी गाड़ियों से नीचे। मैं इनको कहूंगा किसी वक्त डॉक्टर जयशंकर के कपड़े देख ले, कपड़े उनके देख ले, उनकी गुफ्तार देख ले, कुछ स्कैंडल निकाल के निकाले ना। एजेंसियां तो फिर रही हर जगह पे, मीडिया तो हर जगह फिर रहे, निकाले ना स्कैंडल उसका। अरे लेकिन ये बात ये है, सिर्फ और सिर्फ एक आपको आप लूट मार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जिन लोगों को हीरो बना के पेश करते हैं, मुगलों को, पठानों को, सारे लूटे रहे थे, सारे बिलो करेक्टर लोग थे। मैंने आपको बताया है कि अगले दिन मैंने यहाँ BBC का आर्टिकल, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसके बाबरी में लिखा था बाबर इफ्तारी में शराब पीता था, भाई शराब पीता, और मेजोरिटी सारे अल्कोहलिक थे, मोस्ट ऑफ 100 औरतें इन्होंने हरम में रखी होती थी, लौंडियों के साथ, लौंडियों से बच्चे थे। फिर आपका इस्लाम कहता है लौंडी से बच्चा हो, वो भी आपका बच्चा है चाहे शादी ना हो। लौंडी के साथ रिलेशनशिप रखने आपने इस्लाम के अंदर जायज कर रखी, ये क्या किरदार है आप? मगर सर जैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान पे, पाकिस्तान जाके TTP के ऊपर अटैक करता है या कहते हैं अटैक करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि वो टेररिस्ट हैं। और इधर भी इन्होंने ईरान के ऊपर भी यही कहा था कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे जो हमारे यहाँ के गड़बड़ कर रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं आके अटैक कर सकता जो वो कहते हैं घुस के मारेंगे, वो भी तो टेररिस्ट मारने को ही कह रहे हैं वो। मैं दो चार चीजें उसमें अर्ज करना चाहूंगा। मैं तो खैर सबसे पहले किसी भी जंग के खिलाफ हूँ, मैं ओरिजिनली मैं इस चीज देखे, भारत जो दुनिया से सबसे बड़ा इंकलाम अपना इंतकाम ले रहा है, मैं चाहता हूँ वही ले, उस ट्रैक पे रहे। आपकी कामयाबी इंतकाम होती है, आपकी इकॉनमी इंतकाम है, बल्कि मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट में भारत एंगेज होके अपनी 8.4% इकॉनमी खराब कर ले, क्योंकि जहां जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है, कारोबार भाग जाता है। मैं नहीं चाहता कि टेस्ला वहां से भागे, मैं नहीं चाहता कि वहां से एप्पल भाग जाए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अर्ज करना चाहूंगा आपको पिछले 30 के अंदर अंदर चाइना ने तरक्की की है, सिर्फ एक सीक्रेट है कि वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को उन्होंने एंगेज नहीं किया। मैं इसको सिर्फ इलेक्शन तक समझता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं राजनाथ साहब की हिस्ट्री तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और दूसरा मोदी साहब हाईली इंटेलिजेंट पीपल, इन्हें पता है कि दुनिया की इकॉनमी में हम अगर कहीं फंसेंगे तो हमारा क्या होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं इसको ना सोचूंगा और मैं सोचता भी दूसरा, बल्कि एक और बात बताऊंगा आपको आरजू, आपने दो मुल्कों की बात की, अफगानिस्तान और ईरान की, वहां से दहशतगर्दी के साथ क्या दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मैंने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की, इसलिए की है, उसकी सिर्फ वजह यह है आप दोनों मुल्कों के साथ स्मगलिंग कर रहे हैं, आपकी स्टेट ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग करते हैं आप, स्मगलिंग चाहते हैं ट्रेड नहीं करना चाहते, जब स्मगलों के साथ काम करते हैं साथ दहशतगर्दी भी आ जाती है, उसी का हिस्सा है, करप्शन का हिस्सा। आप अपने बॉर्डर क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहते, क्योंकि उससे स्मगलिंग रुक जाती है, ये वजह सबसे बड़ी सीक्रेट। लेकिन यह है उसकी वजह यह है कि आप नेशनलिस्ट नहीं है। आप जब अपने आपने आज तक हमेशा, आज की बात नहीं करूंगा मैं 1947 से चैलेंज करूंगा, हर एक को चैलेंज करूंगा। उसकी वजह यह है
आपने हमेशा अपने जाती मुफाद के लिए डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान ना आपने बनाया है ना आपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई फैसला किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं 1947 से लेकर आज तक। आज आप देख लें क्या हो रहा है। आज की बात आपसे मैं करना चाहूंगा, बल्कि मैं आफरीन है, मैं आज चाहता हूं कि मेरे मुर्शिद से ही आप सीख लें, आप इमरान खान से ही कुछ सीख लें। आप कितना कामयाब तरीन आदमी है, देखें मैंने आज बिल्कुल बैठ के देखा है कि वो किस तरीके से अपने आप को खबरों में रखता है। आपने मैंने जब वो अपने पावर में था मुर्शिद मेरा, क्योंकि वो मैकियावेली, मैंने उनका उनका उनके और मैकियावेली में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैकियावेली से आगे जा चुके। मैकियावेली ने किसी औरत से शादी नहीं की थी जिसने उसको कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इन्होंने तो वो भी की। अब आगे चलते हैं, जब ये खुद थे प्राइम मिनिस्टर थे तो इन डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और इनके पास आर्ट है हाउ टू रिमेन इन न्यूज, खबर में किस तरह अपने आप को जिंदा कैसे रखना है खबरों में। आपने जेल में डाला है, वो जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल के अंदर दरबार लगा, वही एक्सरसाइजें हो रही है, वही डेली दरबार लगा। आप मुझे ये बताएं कोई दिन ऐसा है जिस दिन इमरान खान की पीटीआई की खबरें ना बने। किस खूबसूरती के साथ वो खुद प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के मीडिया के सामने आते हैं। देखिए किस तरीके से मेरा दिल करता है कि मैं आपके आर्मी चीफ को और आपके चीफ जस्टिस को दो अच्छी सी किताबें मैकियावेली की लेकर भेजूं। यहां खुदा रहा ये सीखो इससे। मैं समझता हूं कि कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर जो पैदा हुआ होगा वो इमरान खान होगा, लेकिन इमरान खान इतने कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, ये तबाह उन्होंने बनाया था, वो कायदे आजम थे, उन्होंने बनाया था 1947 में, ये ताले लगाकर लंदन जाए, ये बंद कराकर जाएंगे, क्योंकि इनके कायदे आजम के पास जिन नहीं थे। कायदे आजम काले बकरों पे नहीं उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने काले बकरों के साथ पाकिस्तान बनाया है, और उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं था, आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। काले बकरों के और काले जादू से जब आप एटॉमिक पावर चलाएंगे तो क्या होगा, ताले लगेंगे दुनिया ताले लगाएगी। तो ये मुर्शिद है। मैं आज मैंने दो घंटे बैठ के मैंने सारी पिछली मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अजीम आदमी है, ये तो बहुत अजीम आदमी। मैं क्या बनी तो इसके सामने कुछ भी नहीं था, वो तो प्रिंस ये तो किंग है भाई, उसने तो बुक लिखी थी प्रिंस, ये तो बादशाह है। इससे तो मैं कहता हूं अमेरिकनों को सीखना चाहिए कि किस तरह मीडिया में रहना है, किस तरह 7 लाख की फौज को तबाह करना है भाई, किस तरह पाकिस्तान की जड़े काट के टुकड़े कर, लौंडे लपाड़े 20-25 साल के पता नहीं कहां से लेते हैं, लेकिन अंदर से बैठ के उनको ऑपरेट करता है, उनको बताता है हाउ टू रिमेन इन द न्यूज, हाउ टू रिमेन। वो तो जेल में फिलॉसफर, बहुत बड़ा फिलॉसफर इसके ऊपर। तो जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर पीएचडी हुआ करेगी, इसके ऊपर भी पीएचडी होनी है, उनके पास तो पीएचडी करेंगे, वो किस तरीके से भारत को लेकर आगे बढ़े, इस पे पीएचडी होगी कि मुल्कों को तबाह किस तरह किया जाता है, किस तरह 7 लाख की फौज को घुटनों के बल लाया जाता है। देख एक इंसान बनाया भी फौज ने वही तो सर, उन्हीं के तो बनाए हुए, ये फौज के बनाए हुए, अब उन्हीं के गले पड़ गए। किस तरीके से उस बंदे ने बगैर किसी हथियार के 7 लाख की फौज जो है घुटनों के बल कर, लेकिन सर ये डिजर्व करते थे, फौजी डिजर्व करते थे, क्योंकि इन्होंने भी मुल्क का भेड़ा गर्क करने में कोई कसर थी छोड़ी। मैं अग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मुझे ये बताया अगर फौज बुरी है तो ठीक कौन, ये भी तो बता दें। जुडिशरी ठीक है, आपके सीएसए वाले अफसरान ठीक है, आपके ब्रिटिश एजेंट जो फ्यूडल लॉर्ड छोड़ के गए वो ठीक है, पाकिस्तान के मिस्त्री मजदूर क्या वो ठीक है, मुझे ये बताएं फौज बुरी है तो ठीक कौन है, मैं ये भी तो बताएं ना साथ में, मुझे वो हल भी तो बताएं ना आरजू कि यार ये बंदा बुरा है ये बचाएगा पाकिस्तान, ये फलां बंदा पाकिस्तान बचाएगा। मैं सर मोदी जी को ले आते हैं 2-4 साल के लिए, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर दो को ले आते हैं। मेरे पीछे पड़े थे ये सारे लौंडे लपाड़े, मैंने कहा था खुदा पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर दे, मैं मोदी जैसा कहा था ये समझते हैं शायद ये कह रहे मोदी, भाई मोदी साहब को क्या उनका उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। बल्कि आप जरा एक मिनट का सिनेरियो देखिए, अगले दिन किसी ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा यार सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश भी खड़ा रहता सारा कुछ, तो क्या हालत होनी थी इस रीजन की। आप अभी 250 मिलियन है सारे जहाज के ऊपर बैठे, सारे तरक्की की तरफ आप जाना नहीं चाहते, आपने इस रीजन के साथ क्या करना था अगर वो दूसरे मुसलमान भी सारे आ जाते आज यहां, सोचिए तो जरा आपने 76 साल में क्या किया। और सिर्फ एक चीज चाहिए थी आपको, नेशनलिज्म चाहिए था। आप पाकिस्तान देखिए कितनी बदनसीबी इस मुल्क की कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी बनने ही नहीं चाहते, पाकिस्तानी पाकिस्तान कहलवाने से शर्मिंदा है,
उन्हें शर्म आती है हमें को पाकिस्तानी। पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के खाब, पहले दिन जो बच्चा पैदा होता है वो कहता है मैंने यहां नहीं रहना, मैं तो लंदन जाऊंगा। वो तुम्हारे नानके हैं वहां लंदन में यार, बड़ी मुश्किल चले भी जाते हैं। आपने तो बनाया नहीं है भाई पाकिस्तान, अगर देखा जाए आपने कहा बनाया, ये तो सिख बना के देके आपको देके चले गए। जरा देखें आप सबसे ज्यादा शहीदियां किसकी हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, सबसे ज्यादा मार किसने खाई, अफसोस वाली बात है वो सिखों ने खाई सबसे ज्यादा काले पानी के अंदर उनको प्रिजन दिए गए, सबसे ज्यादा मारे गए। आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, भगत सिंह का नाम लेता है पाकिस्तान में कोई? बिल्कुल। आपने गाली बना दी है रंजीत सिंह की और भगत सिंह का नाम लेने की, हालांकि असली हीरो तो वो है इस एरिया के, बिल्कुल आजादी के लिए कुर्बानियां अगले फांसियों पे चढ़े, आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। हाँ आप गौरी साहब हमारे रिश्तेदार है, मामू जी या खुदा का नाम, वो जो लुटेरा आया तुम्हारा कोई दादा है नाना, कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे अकल का नाम लो। बिल्कुल लेकिन सर जिस दिन हम अपनी हिस्ट्री सही कर लेंगे उस दिन शायद हम ठीक भी हो जाएं, जब तक हिस्ट्री गलत पढ़ाएंगे तब तक यही होता रहेगा। बस आरज़ू जो मैं हमेशा जो मेरा मैंने जिंदगी में सीखा है सब कुछ मैं कोशिश करता हूँ स्प्रेड करूँ, प्यार का मोहब्बत का मैसेज है सबको देने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जंगों का नफरतों से कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। दुनिया का हर इंसान तो हर कीमती है ही है, मैं तो हर जानवर भी कीमती समझता हूँ, हर जानवर भी कीमती। इंसान तो बोलता है, इंसान तो अपनी तकलीफ दूसरे को बताता है। आप किस तरह के इंसान हो सकते हैं कि मैं आपको अपनी आपकी आपको अपनी तकलीफ बताऊं और आप दो लफ्ज उसमें कोई मेरी दिलजोई के लिए ना बोल सकें, देना प्रैक्टिकली किसी के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ना, आप दो लफ्ज हमदर्दी के बिना कह सकें तो आप किस किस्म के इंसान, बिल्कुल मैं तो नहीं समझता कि आप अच्छे इंसान हो सकते हैं अगर आप किसी से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप किस किस्म, रिगार्डलेस हु यू आर, आप हिंदू सिख मुसलमान जो कुछ भी है, आप किसी दूसरे का दर्द समझने की सलाहियत नहीं रखते, आई डोंट केयर आप में और जानवर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सर, एहसास होना चाहिए इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात। बहुत शुक्रिया, क्या थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और खासकर आरज़ू काज़मी जी के सवाल और साजिद तारा साहब का एनालिसिस आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इस लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहे। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।